हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 देखा, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है यहाँ पर। लॉग बेस 2, लॉग यहाँ पे बेस 3 है, फिर अगेन लॉग बेस 3 है, आर्गुमेंट में आपका 27 टू द होल पावर 3, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम लॉग बेस 3 27 टू द होल पावर 3, इसको आप एक्स मान लो। ठीक है, अब ये पावर का 3 है, ये तो आगे आ जाएगा क्योंकि हम क्या जानते हैं लॉग ए टू द पावर एम क्या होता है, एम लॉग ए होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 लॉग बेस 3। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अगेन इस 3 को भी हम आगे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 लॉग 3 टू द बेस 3। अब हमको पता है लॉग ए टू द बेस ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करा और ये आ गया आपके पास 9। ठीक है, तो इस वाली टर्म की जगह तो आप 9 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 2 लॉग बेस 3। ठीक है, और यहां पर आ गया आपके पास 9। ठीक, सो लॉग बेस 2 लॉग बेस 3, ये हो गया 3 टू द पावर 2। लॉग बेस 2, ये 2 आगे आ जाएगा अगेन, सो 2 लॉग 3 टू द बेस 3। ठीक है, सो यहाँ लॉग 3 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा क्योंकि बेस और आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो log 2 द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। log 10 टू द बेस 100 log base 2 log 2 to the base 4, then again log base 4 आया है आपका और यहां पर आ गया log base 2 2 यहां आएगा 256। ठीक है, इस लॉग का भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, समझ रहे हो, यानी इस स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर है ये, राइट। और ये है डिवाइडेड बाय लॉग 8 टू द बेस 4 प्लस लॉग
फोर टू द बेस एट, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ये लॉग का स्क्वायर है ये वाला, और ये जो आर्गुमेंट है उसका भी स्क्वायर है। लॉग का स्क्वायर का मतलब हो गया इस पूरे होल ब्रैकेट का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अलग अलग टर्म्स को कंसिडर कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम x कंसिडर कर लेते हैं, log 10 टू द बेस 100। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। सो 10 टू द पावर 2x हम इसको लिख सकते हैं, ये 10 के इक्वल हो गया, 10 टू द पावर 1 के इक्वल हो गया, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। सबसे पहला काम तो ये हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब y आप कंसिडर कर लो, log बेस 2 log बेस 4 2, इसको हमने y कंसिडर कर लिया, ठीक। सो log बेस 2 यहाँ आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m टू द पावर n p टू द पावर q, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, q बाय n log p m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो एक तो ये पावर डिवाइड बाय दिस पावर, यानी कि 1/2, और ये एक साथ आप कर दोगे log 2 टू द बेस 2, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 हाफ मिला आपको यहाँ से। तो इससे आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट में कर दोगे तो ये 2 टू द पावर y इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1, ठीक है। ये सेकंड वाला कार्यक्रम भी हो गया सेकंड टर्म का। अब थर्ड टर्म आपकी थी log टू द बेस 4 log 2 इसका स्क्वायर और 256 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो log 256 होल स्क्वायर टू द बेस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, log बेस 4 तो एज इट इज आप लिख दो, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 256 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। log बेस 2, अब ये है 2 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, और इसका भी हो रहा है होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका 2 टू द पावर 8 लिख दिया हमने, और उसका स्क्वायर है यहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, log 4 log टू द log बेस में आपका 2 आ गया, और ये हो गया 2 टू द पावर 16। अब अगर 16 को मैं आगे कर दूं तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया फिर, अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, z इज इक्वल टू log 4 16 इसका स्क्वायर हो गया। सो z इज इक्वल टू log 4 4 की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो
जेड इज इक्वल टू ये हो गया, तो यहां से आपके पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू फोर, क्योंकि ये फोर तो आ जाएगा आगे और लॉग फोर टू द बेस फोर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फोर आ गई। नाउ पी इज इक्वल टू लॉग एट टू द बेस फोर, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर टू द पावर पी इज इक्वल टू एट हो जाएगा, तो टू टू द पावर टू पी हो जाएगा और टू टू द पावर थ्री हो जाएगा, तो टू पी इज इक्वल टू थ्री, देन पी इज इक्वल टू थ्री बाय टू आ गया। सेम ई कंसिडर हमने कर लिया लॉग फोर टू द बेस एट को, तो ये हो गया एट टू द पावर ई इज इक्वल टू फोर, सो टू टू द पावर थ्री ई इज इक्वल टू 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 द पावर टू, सो थ्री ई इज इक्वल टू टू, सो ई इज इक्वल टू टू बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। देन गिवन एक्सपेंशन रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो गया आपका एक्स वाई जेड और पी ई मान लिया आपने, पी प्लस ई आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। हमने क्या क्या कंसिडर करा था, सारी टर्म्स को एक्स वाई जेड और पी और ई कंसिडर करा था, तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। सो वन बाय टू माइनस वन फोर, थ्री बाय टू प्लस टू बाय थ्री, ये सारी वैल्यूज थी, चेक कर लो आप एक बार। यहाँ से वन बाय टू आई थी, ठीक है, उसके बाद आपकी y की वैल्यू माइनस वन है, z की वैल्यू फोर है, ठीक है, और ये थ्री बाय टू है और ये टू बाय थ्री है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करी तो हमारे पास ये टू से ये टू टाइम्स कटा तो ऊपर आया माइनस टू, ठीक है, और नीचे हम एलसीएम ले लेंगे सिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नाइन और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फोर, ठीक है, तो ये टू इंटू सिक्स और नीचे आ गया थर्टीन, यानी कि माइनस ट्वेल्व बाय थर्टीन, राइट। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस ट्वेल्व बाय थर्टीन आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।